नमस्कार, मैं हूं रीन कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। सी के साथ अब वक्त हो गया है पंजाब की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, पंजाब की खट्टूर साहिब सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाले खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के शपथ ग्रहण की मंजूरी मिल गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अमृतपाल सिंह को सांसद की शपथ लेने की इजाजत दे दी है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, पंजाब के जालंधर के पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर कमलजीत भाटिया की घर वापसी हुई है। भाटिया भाजपा को छोड़ दोबारा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। जालंधर उपचुनाव से ठीक पहले उन्होंने आप ज्वाइन कर भाजपा को झटका दे दिया है। कमलजीत भाटिया सोमवार को जालंधर के दीपनगर स्थित मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर पहुंचे, वहां उन्होंने दोबारा आप ज्वाइन की है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, पंजाब के पठानकोट में कुछ दिन पहले हथियारबंद दो संदिग्ध आतंकी देखे गए थे। जम्मू पठानकोट बॉर्डर पर संदिग्ध देखे जाने के बाद पुलिस, बीएसएफ और सेना ने सीमावर्ती गांव में तलाशी अभियान चलाया था। हालांकि अभी तक संदिग्ध आतंकी पकड़े नहीं गए। वहीं अब दीनानगर की गुरु नानक नगरी कॉलोनी में फिर से दो संदिग्ध देखे जाने की सूचना के बाद पुलिस ने रविवार देर रात सर्च अभियान चलाया है। हालांकि सर्च अभियान के दौरान पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, स्वर्ण मंदिर में योग करने वाली अर्चना मकवाना एक बार फिर सुर्खियों में बनी है। दरअसल मंडी सांसद कंगना रनौत के साथ अर्चना की फोटो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रही है। इस पर खूब चर्चाएं भी हो रही हैं। वहीं हाल ही में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने गोल्डन टेम्पल में सेवा करते और लंगर खाते हुए भी तस्वीरें शेयर की है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, चंडीगढ़ के सबसे पॉश इलाके में डॉक्टर कुलदीप सिंह के घर पर फायरिंग करने के मामले में गैंगस्टर गोल्डी बराक और उसके साथी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोल्डी ढिल्लो के खिलाफ नए कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस नए कानून के तहत भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज किया गया है। नए कानून के तहत ये पंजाब में पहला मामला दर्ज किया गया है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।